बाद में आप पकड़ लें। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को स्वागत है हमारे इंस्टेंट टुडे न्यूज चैनल में। मेरा नाम है चाते वंशा। आज है 12 नवंबर 2024 और इस वक्त हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं नोक्सा गांव से, जो कि अरुणाचल प्रदेश के तिराप डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अरुणाचल में काफ़ी सारे जनजातियों के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह हमारे तिराप डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी सारे ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स के लोग रहते हैं, जैसे कि नोक्ते, तुत्सा, ओलो। और अगर सब ट्राइब के बारे में हम बात करेंगे तो कासिक कम्युनिटी भी एक है, जो कि बहुत पुराने ज़माने से माने जाते हैं। और कासिक कम्युनिटी जो है खापा डायलेक्ट बोलते हैं, और खापा वर्ड जो है, खापा शब्द जो है, नोक्ते कम्युनिटी में भी बहुत ही बड़ा मेन रोल करता है। क्योंकि नोक्ते कम्युनिटी के जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उनमें जितने भी फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, वो खापा डायलेक्ट से लिखे गए हैं और गाए जाते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही खास मौके पे यहाँ आए हुए हैं नोक्सा गांव में, जहाँ पे हो रहे हैं कासिक पाकू सेलिब्रेशन, जिसमें चार गांव आते हैं, न्यू टोपी, ओल्ड टोपी, पुलुंग और नोक्सा गांव। तो यहाँ पे वो लोग यूनाइटेडली ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ये फेस्टिवल को। तो आज हम लोग इस फेस्टिवल के बारे में भी जानेंगे, और भी काफी सारे लोग आने वाले हैं यहाँ पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, स्पेशली चार गाँव से। तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस फेस्टिवल के बारे में। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए इंस्टेंट टुडे न्यूज चैनल। तो पॉपुलेशन मुझे देखने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचना है कि हम इंडिजिनस बहुत कम है और हम कमजोर है। हम कमजोर नहीं है, हम इंडिजिनस एक जो है 10 के बराबर है, ये सोचना है। इस सोच के साथ हम लोग अपना फेस्टिवल को, अपना रीति रिवाज को, अपना कल्चर को आगे बढ़ाना है। विद दिस मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक्चुअली ये हमारा रेस्पेक्टेड, हमारा हॉनरेबल जो होम मिनिस्टर सर आने वाला था इस प्रोग्राम में, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट 11 आवर में कुछ ही अर्जेंसी और सेंट्रल से भी कुछ मिनिस्ट्री आ गया ईटानगर में, जो सेंट्रल मिनिस्टर है तो वो आया हुआ, इस कारण से उन्होंने एकदम लास्ट मोमेंट में पोस्टपोन करना पड़ा। उसके लिए मैं आप सभी को माफी मांगना चाहूंगा, हमारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर नहीं आया। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट इफ और आप हमारा डिपार्टमेंट से आप दोनों जाके रिप्रेजेंट कीजिएगा और कन्वे कीजिएगा कि हमारा इंडिजिनियस को हम लोग आगे ले जाना है और बचाना है। तो इस ऑथोराइज के हमारा ऑनरेबल मंत्री जी है जो ऑथोराइज मुझे किया है, तो इस बीच हम आपके साथ आज है। सो वी आर रियली वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश नसीब है कि आप लोगों ने हमारा यहाँ पे हार्दिक स्वागत किया। और चारों विलेज, नोक्सा, ओल्ड टुपी, न्यू टुपी एंड पुलोंग विलेज का जो आमंत्रित पे कसे कोंग पाकू में हम सभी शरीक हुए हैं, और ये एक हिस्ट्री में, एक हिस्ट्री के एक पन्ना में लिखा रहेगा कि ये फेस्टिवल इन अ वेरी रिचुअलिस्टिक वे में ये मनाया जा रहा है और आगे चलकर भी ये मनाए जाएंगे। अपना सारी तब गांव और बहादुर मने इतु डायरेक्टली एक रेस्पॉन्सिबल मने इतु ऐसे अमार पूरा एंटायर नोक्ते कल्चर को दूरी रखी बोले, मने जो भी ईटानगर से आए हैं उनको मालूम नहीं होगा कि हम लोग नोक्ते एरियाज में और इवन तुत्सा में भी
जो फेस्टिवल में गाते हैं वो ये चार गांव का भाषा है हमारा। तो अभी ये जो हम लोग जो फेस्टिवल में गाते हैं वो आस्ते आस्ते मतलब खत्म हो रहा है, क्योंकि ये भाषा अभी जो खप्पा बोलता है वो जानने वाला बहुत कम रह गया। मतलब मेरे गांव जो कायमे में है उसमें हम लोग सेवा बोलता है, सेवा तो मैंने दो तीन जो मैंने बाकी आते मैंने एक लाख भी भूरा हुए गए मैंने आलू पांच दस बस आमी लोग भाग मानव पार ना नारे ये तो भी डाउट आते मैंने जी तो आमी एक दूसरा से बात करते हैं ये तो कथा तो नए तो यू पोएटिक है मैंने एक तक कवि जैसा होता है जो गाता है मैंने और हिस्ट्री जानने वाला भी होना पड़ेगा तो वो ही ये सब गाना गा सकता है। तो ये तो जैसे अपना बिलगे कोठा तो है ये खपा तो कह गाँव ये तो सब शिक्ष लगे मैंने सब ट्राई लगे और ट्राई करनी चार गाँव मानु लड़ा छीबिल लोकर गाँव गई कि शिकाब लगे मैंने अदारवाइज एकदम ट्रेजिकली आमार कल्चर तो खत्म हो जाए बहुत दुखर कथा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इमी रूमी सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिजिनियस फैट एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और उनके साथ उनके कमिटी मेंबर्स भी है। तो आइए जानते हैं उनसे आज के जो फेस्टिवल है उनके बारे में और उनको यहाँ पे आके कैसा लगा है। तो सर सबसे पहले तो हम आप सभी को हमारे ईस्टर्न टुडे न्यूज चैनल में स्वागत करते हैं और पहले जानना चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोगों को तिराप में आके ये फेस्टिवल को अटेंड करके कैसा लगा है। हमें तो बहुत खुशी हुई है और यहाँ पे हमने आके बहुत कुछ सीखा है और बहुत एंजॉय करी है। डांस में भी हमने पार्टिसिपेट किए हैं और सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है जो रिचुअल्स जो आप लोगों ने दिखाया वो बहुत ही अच्छा था। जी जी। और सर हम सभी ने सुना है और देखा है कि ये जो फेस्टिवल है ये चार गांव मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर फिर भी यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा कम देखने को मिला है। तो और ये भी कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी है वो एक्सटिंग हो रहे हैं, तो उसको किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? प्रिजर्वेशन के तौर पर गवर्नमेंट का बहुत सारा सपोर्ट है और बहुत सारा डायरेक्टिव्स भी है जी, लेकिन अगर खुद को प्रिजर्व करना है अगर खुद में वो जागृत नहीं होंगे तो वो कहना मुश्किल है। सोने वाले चीज़ को जगा सकते हैं लेकिन जो ज़बरदस्ती सोते हैं ना उनको जगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज का इस फेस्टिवल के शुरुआत से हमें ये महसूस हुआ है और विश्वास भी है जो हमारे बीच में जो सोने की जो हम प्रथा दिखा रहे थे लोगों को वो शायद जागृत हुआ है। जी जी। और सर इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी के बारे में भी हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी अभी 2024 है, ये अपना स्थापना का 25वां साल दिवस मना रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट डे और इसी 25वां साल के तौर पर ये आज ये जो फेस्टिवल आज मनाया गया है यहाँ पे तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट लगता है और ये हिस्ट्री में एक लिखित तौर पर रह जाएंगे। जी जी। और सर लास्टली आप यहाँ के जितने भी पब्लिक है यहाँ जो चार गांव के जितने भी लोग आए हुए हैं उन सभी को आप क्या मैसेज देके जाना चाहोगे? मेरा पर्सनल मैसेज तो चार गांव के लिए सिर्फ नहीं है, मेरा मैसेज यहाँ पे अपना नोक्ते भाई है और नज़दीक पे जो वंशो भाई है और वहाँ पे थंगसाज भाई है, भाई बहन माए बहने, उनको यही मैसेज है कि हमें अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों को हमेशा याद रखना चाहिए। हम उनका पथ और जो उन्होंने हमें सिखाया है दिखाया है वो हम उसे फॉलो करना चाहिए और जो बाहरी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हमारे बीच आए हैं उन्हें भी हम ये नहीं कहते कि वो ख़राब है, लेकिन हम अपनों को पहले महत्वपूर्ण देना बहुत ज़रूरी है और वो एक रिलीजन हो सकते हैं लेकिन हम खुद को मनवाना और खुद को खुद में सीमित रहना और अपनी संस्कृति को बचाए रहना ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होगी। और सर लास्टली जो हमारे स्टेट के जितने भी यूथ्स हैं उन सभी यूथ्स को आप क्या बोलना चाहोगे सर? यूथ्स का रोल तो दे आर आवर फ्यूचर और दे आर आवर नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे भी जो अभी ये बीच में
आपका बुजुर्गों ने जो आपका नृत्य दिखाया है यहाँ पे हमने कमी महसूस की है, जो यूथ्स नजदीक पे रह के सीखना चाहिए, वहाँ पे दूर में बैठे बैठे वो उनको देखना और सुनने से उससे कोई सीख नहीं मिलेंगे। बुजुर्ग के साथ रहना, उनके साथ में वार्तालाप करना, उनसे उनको पूछना, उनको तकलीफ देना कि अरे ये क्या है वो क्या है, वो यूथ्स में जागृत होना बहुत जरूरी है। और विदाउट यूथ्स हमारा अपना संस्कृति कभी नहीं बचेंगे, दे आर आवर फ्यूचर्स। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें आपका कीमती समय दिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तेचू अरान सर, कि हमारे तिराप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है। तो सर सबसे पहले तो हम आपको हमारे एसएन टुडे न्यूज चैनल में स्वागत करते हैं। और सर आपसे हम जानना चाहेंगे जो यहाँ पे काफी पाकू सेलिब्रेशन हो रहे हैं, चार गांव मुल्क सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो फेस्टिवल आज मनाया जा रहा है कासिक पाकू फेस्टिवल जो है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे नुक्ते सोसाइटी में ये चार गांव का भाषा को ही हम लोग गाते हैं। और ये चार गांव वालों को छोड़ के बाकी जितने भी नुक्ते विलेज है अभी जो गा रहा है वो आप भी नहीं पहचान, नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ। ये प्रॉब्लम ये है हम लोग का, तो इसको हम लोग का कल्चरल जो ये है ट्रेडिशन है इसको पकड़ के रखने के लिए ये फेस्टिवल जो है ये बहुत बहुत जरूरी है। ये नो डाउट ये पहली बार ये हम लोग शुरुआत किया है, ये अगर बरकरार रखेंगे हर साल में, अगर ये बहुत जरूरी भी है कि ये हर साल हो ये फेस्टिवल, ताकि नए पीढ़ी जो है वो भी हमारे कल्चर को पकड़ के रखे। आपकी दुख ये दुख की बात ये है कि इवन ये चार गांव में भी मैंने सुना है कि मतलब ये गाना जानने वाला बहुत कम लोग रह गया। तो अगर ऐसा मतलब हम लोग आगे आके ये फेस्टिवल इस ढंग से मनाएगा तो शायद जो नए पीढ़ी लोग हैं, न्यू जनरेशन के लोग हैं, ये लोग इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि एक गांव-गांव के बीच में एक कंपटीशन का भी होता है गाना गाने का। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहुत जरूरी है ये ऐसा फेस्टिवल ये मनाना। जी जी। और सर यहाँ के जो चार गांव वाले जो मिलके मना रहे हैं, उन सभी गांव वालों को आपका तरफ से क्या मैसेज है? मेरे तरफ से यही कहूँगा कि आप लोग अगर हमारा नुक्ते कल्चर को जिंदा रखना है तो ये चार गांव आगे आना पड़ेगा। तो मैं ये चार गांव टूपी, न्यू होल टूपी है, ये नुक्शा है और ये पुल, ये चार गांव वालों को यही अपील करूंगा कि आप लोग आगे आइए, पूरा फुली पार्टिसिपेट कीजिए, और जो नहीं जानते हैं गाना उनको भी आप लोग सिखाइए, ताकि हमारे ये नुक्ते कल्चर जो है वो हम लोग प्रिजर्व कर पाए। नो डाउट ये एक्सटिंग तो मतलब आस्ते आस्ते हो रहा है, लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि मतलब अभी अभी चालू लोग हम लोग अभी कुंचा में हो रहा है, उसमें भी हम लोग का तरफ से भी जितना हो सकता है वो हम हेल्प कर रहा है। और जहां तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये तो गवर्नमेंट की तरफ से आना पड़ेगा, क्योंकि वक्त ही ऐसा हो गया कि बिना पैसा का, बिना फंड का आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें मतलब फंडिंग होना पड़ेगा। क्योंकि हम चाहे एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो भी अगर मेरे पास में कोई फंड नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब काफी मतलब ऐसे कुछ लोग काफी ऐसा काम होता है जहाँ पे मतलब फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसमें भी ऐसा ही है। तो इसमें इसको प्रिजर्व रखने के लिए हर एक अभी जो नया नया बच्चे लोग है, स्टूडेंट्स लोग हैं, वो लोग भी इस इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर नुक्ते कल्चर को प्रिजर्व करना है तो स्कूल में जो अभी इंडिजिनियस भाषा पढ़ाते हैं ना, वो भी मैं तो समझता हूँ कि अगर ये भाषा पढ़ाया जाए तो हम लोग का नुक्ते ये कल्चर जो है वो
हम लोग कोई जानकारी नहीं है। आपको स्वागत है हमारे इस टेन टुडे न्यूज़ चैनल में, धन्यवाद। और आपसे हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरा शुभ नाम पोंगहोंग बयांग, हमारा कासक पाकू फेस्टिवल कम्युनिटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं यही बस्ती का हूँ, नोक्सा विलेज। मैं नोक्सा विलेज का यही का हूँ, यही का रहने वाला। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फेस्टिवल है ये क्यों मनाए जा रहे हैं और कब से मनाते आ रहे हैं? ये फेस्टिवल हम कब से मनाए टाइम नहीं बता सकता, ये मना रहे साइंस टाइम इमेमोरियम से मना के आता रहे, मेरा पूर्वजों से ही कितना कितना हमारे एंसेस्टर तो गुजर गए होंगे, हम लोग का टाइम रिकॉर्ड नहीं है, बहुत पहले से माने जा रहे हैं और ये मनाना बहुत जरूरी है। हमारा हम कहते हैं आवर आइडेंटिटी इज आवर कल्चर, तो हमारा कल्चर नहीं तो हम आइडेंटिटी नहीं है, तो हमारा तिराफ का एंटायर तिराफ के लिए ये सिर्फ हमारा कासिक विलेजेस के लिए नहीं है बल्कि हमारा चारों लोग को बोलो, रोहन बोलो, कुआ बोलो, देन आपका राजो का वोरंग बोलो, सभी बस्ती का फेस्टिवल में ये गाना गाया जाता है। ये हमारा केवल नहीं, ये आपका तुरसा चांद का तुरसा पोषण में भी ये गाना गाया जाता है, इसलिए उसको बचाना बहुत जरूरी है। आज का डेट में ये एंडेंजर हो गया तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम इसको बचाने के चक्कर में क्यों नहीं मना जाए, इसलिए ये लास्ट ईयर एक बार मनाया था वो तो गेट टुगेदर था, इस बार तो पूरा फुल स्विंग में इसमें हम लोग मनाया है। तो हम सर ये यूनाइटेड होके मनाने के बाद ये सेकंड टाइम है आप लोग का, सेकंड एडिशन? जी हाँ। और सर ये कासिक कम्युनिटी के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हम यहाँ में तिराप जो है दो सकल में डिवाइड करके कहानी में ऐसा है, एक है आखुनठुंग और एक है कपाठुंग, कपाठुंग यानी कासिक कोंग। तो हमारा कासिक कोंग में पहले में हम लोग का कासिक पीपल जो है 9 villages में था, 9 villages पहले था वो जो है पहले अभी प्रेजेंटली कापो बस्ती है उसमें था, इसमें खमथुंग बोल के था, देन वहाँ से आते हुए अभी प्रेजेंटली चासा है वहाँ में था लोंगफोंग बोल के था, देन अभी नक्सा पुलुंग और तभी न्यूटी तो है ही है, और प्रेजेंट अभी जहाँ में पानी दुआ बस्ती है वहाँ में भी लोंगसा बोल के, तो हम लोग कासिक का बस्ती में फेस्टिवल की बस्ती था, और कानूबारी और उसमें पानी दुआ का बीच में अभी पहाड़ है उसमें था आपका बोनबोल की बस्ती था, नाम हुआ करता था आज का डेट में सिर्फ 4 बच गया, और कुछ पोर्शन आसाम में भी है, हमारा बस्ती कासिक बस्ती आसाम में भी है, नामरूप बस्ती में वहाँ में भी ये बड़ा मना है वो लोग, तो ये कब से मना रहा तो नहीं पता पाए, ये टाइम सिंस टाइम इमेम से हम लोग मनाते आ रहे हैं। और मैं आज का युग में सभी यंगर जनरेशन को मैं तब से कासिक पाकू कम्युनिटी का प्रेसिडेंट के नाते मैं यंगर जनरेशन को ये अपील करूँगा कि इसमें सब कोऑपरेट करना है और हमारा कल्चर को बचाने के लिए सब हमको साथ देना है, ये मैं अपील करता हूँ।